टिकट मिल गई है मेरे को, वहाँ से टिकट मिली थी जहाँ से अंकल आ रहे हैं। बाकी ये पता नहीं कौन सा ग्राउंड है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ इंदौर। अभी टाइम हो रहा है 5:46 और आज डेट है 27। तो बस अभी तो प्लान इंदौर जाने का। इंदौर जा रहा हूँ मैं मैच देखने, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का। मैंने अभी दिल्ली में भी देखा था, दिल्ली से इंदौर जा रहा हूँ, दिल्ली रहता हूँ मैं। और बाकी इंदौर के बाद में एक और जगह जाऊँगा वो मैं बाद में बताऊँगा, बहुत अच्छी जगह है वो। तो गाइस मेरी बस है वोल्वो, बहुत अच्छी सीट है ये, कंफर्टेबल एकदम वोल्वो है। ये खिड़की लगी हुई है, यहाँ नाम से पेड़ लगा हुआ, यहाँ पर लगा हुआ है, खिड़की लगी हुई है, सामने चटर है, यहाँ पे पिल्लो है, ये आराम से अच्छा खासा। और बैग मैंने अपने नीचे रख दिया इसके, यहाँ पे नीचे रख दिया बैग इसके। तो बस अब सुबह पहुँचेगी अपना इंदौर। सीन हो गया था, अपना पावर बैंक गरीब लिया था, देखा तो यहाँ पे है पावर बैंक, मतलब पावर बैंक नहीं, चार्जिंग के लिए यहाँ पे है। और ये फ़ोन चार्ज लगा दिया मैंने अपना, और ये साथ में पानी बोतल ले ली, चिप्स ले लिए, अभी चिप्स वाले का आया था उससे चिप्स ले लिए। ये लाइट है, एक ये लाइट है, एक साथ में ये भी लाइट है, इसमें नींद मेरे ख्याल से अच्छी है, ब्लू है ये लाइट, ब्लू है, इसमें नींद अच्छी आ सकती है। बाकी ये चलानी है, ये चला ली। बाकी साथ में ये पानी बोतल, ये चिप्स, इसे चार्ज निकल गया, ये रहा यहाँ पे चार्जर। ये चार्जर लग गया फ़ोन, ये अभी टाइम हो रहा है 6:43। तो बस अभी तो काफ़ी देर का रास्ता है, ईयरफोन्स निकाल लिया आराम से, मूवी देख लूँगा कोई और फिर सो लूँगा। तो गया सब बस 9:18, ये पहले से तो पा चुका है कि बस रुकी है यहाँ पे, आगे नहीं रुकी कह रहे हैं, रुकी कभी कोई नहीं पता चला, मैं तो गाने सुन रहा था। ये लाइट अच्छी है, यहाँ ब्लू है, ऊपर रेड है, ऊपर भी सीट है इसके। तो चलो कुछ खाने नहीं, लोग चाह रहे तो चले जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा मैं, देखता हूँ। जयपुर सुबह अभी हो रहे थे 27। मैं अभी उठूँ 5-10 मिनट पहले, तो हमारी बस अभी यहाँ रुकी है। इन्होंने आवाज़ मारी थी चाय पानी नाश्ता कर लो, उससे 2 मिनट पहले उठ गया था मैं, फिर उन्होंने भी आवाज़ मारी चाय पानी नाश्ता कर लो। और रेड वाली सीट मेरी है, वहाँ नीचे बैठूँ मैं, और मतलब वो लाइट रेड है मेरी, रेड ब्लू ब्लू कलर की है। और बस अभी मैं बाहर आ नहीं रहा था, मैं सोचा था बाहर आके व्लॉग बनाने, मैंने बस का मैं सोना था सिर्फ, तो मैं बस का व्लॉग बनाने के लिए बाहर आ गया। बस
में आ गई। ये मेरी बस, ये वाली बहुत अच्छी बस थी। अब मैं देखता हूँ फ़ोन वोन पे कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। अब तो आ गए ऑटो वाले, खैर अभी तो पास ही जाना, अभी ऑटो भी नहीं जाना, देख तो पहले एक बार। पहले तो मैं जरूर अपनी टिकट लेने मैच की, मेरे को टिकट ग्राउंड से कलेक्ट करनी है। ये ऑटो ऑटो कट हो गए आराम से। अब इन्होंने क्या, मैं बस उतरा था वहाँ से लेके यहाँ तक के 100 रुपये मांगे, पता नहीं ज़्यादा कम है, कोई नहीं। अब जाना तो है ही, मैं ओला बुक करा था, ओला बुकिंग हो गई थी, टाइम हो गया, टाइम कट गया। टिकट मिल गई है मेरे को, वहाँ से टिकट मिली थी, जहाँ से अंकल आ रहे हैं। बाकी ये पता नहीं कौन सा ग्राउंड है, ग्राउंड तो अच्छे लग रहा है, ग्राउंड में पानी दे रहे हैं, वहाँ नेट्स लगे हुए हैं, वहाँ नेट्स लगे हुए हैं, वहाँ नेट्स लगे हुए हैं, और वहाँ भी नेट्स लगे हुए हैं। खैर वो तो नेट्स सेफ्टी के लिए, कोई वहाँ से आए ना, वहाँ से आए ना। ये क्रिकेट वाले नेट है, वो क्रिकेट वाले नेट है, ये क्रिकेट वाले नेट है। ग्राउंड में पानी भी दे रहे, पता नहीं लाइटें भी लगी हुई है। ग्राउंड तो अच्छा है, ये जौन से भी ग्राउंड है, पता नहीं उस बारे में। अब चलते हैं अपने जहाँ हमने रहने, मतलब अपने होटल। तो वैसे एक उम्र में इंदौर में मैंने ओला बाइक करी है। पहले तो मैं गणेश जी के मंदिर जा रहा हूँ सबसे पहले, इंदौर की सड़क यहाँ पे मैंने जितना भी नोटिस किया, जगह जगह भी मंदिर बन रहे हैं, यहाँ भी मंदिर, यहाँ भी मंदिर, ये अच्छी बात है। तो वैसे ये मंदिर, ये इसकी मेरे ख्याल से बैक साइड से एंट्री है या साइड से एंट्री है, सामने से एंट्री वो है शायद, और मैंने वहाँ से एंटर किया है। ये पूरी पार्किंग, और वैसे मेरे ख्याल से एंट्री है वहाँ से, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से चलते हैं। बात एक ही है, मंदिर तो बहुत सुंदर है, मैंने यूट्यूब पे देखा है, बहुत सुंदर मंदिर है। शूज़ कौन डालने हैं, ये देखते हैं। एक काम करता हूँ, मैंने वहीं से चले जाता हूँ, समझ नहीं आ रहा, वहीं से चले जाता हूँ। ये साथ में पूरा पार्क बना हुआ है, पूरा पार्क बना हुआ है, बहुत सुंदर पार्क लग रहा है, साथ में फूल वूल हर जगह है। वहाँ से एंट्री सर बिल्कुल सामने ना, कोई बात नहीं, घूम के वहाँ चले जाता हूँ मैं। लोग वहीं से आ रहे हैं, मेरे को वहीं से लग रहा था वहीं से चले जाऊँगा मैं भी, कोई दिक्कत नहीं। मैंने गणेश जी के दर्शन तो कर लिए ढंग से, शिव जी के भी ढंग से दर्शन कर लिए। यहाँ पे गणेश जी हैं, यहाँ पे शिव जी है, बहुत बड़ा मंदिर है, मैंने सारे पूरे मंदिर के दर्शन करने हैं, तो साथ साथ आपको भी मैं दर्शन करवाता हूँ। साथ में मेरे को ये मिला है, माला मिली है मेरे को, माला नहीं मतलब धागा हाथ पे पहनने के लिए।
यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अंदर गया, पंडित जी ने मेरे को ऐसा टिक्का भी लगाया और इस मंदिर की 3-4 एंट्री है, यहाँ से भी है, वहाँ से भी है। मैं वहाँ से आया था तो हर जगह की तो एंट्री दिखा नहीं रहा। मैं मेन एंट्री मंदिर की वहाँ से, क्योंकि ना इसके पीछे है, वहाँ पूरी मार्केट है, पीछे से मंदिर की पूरी मेन एंट्री है। ये मार्केट मंदिर के साथ में ये है भोजनालय। यहाँ पे 12 से 3 या कुछ ऐसी कुछ टाइमिंग है जिसमें यहाँ पर फ्री खाना मिलता है। लोग बैठे हुए मेरे ख्याल से मिल रहा होगा अभी, लेकिन जो भी है मैं टाइमिंग है नीचे मेंशन कर दूँगा, जो भी इसकी टाइमिंग है ये उतने में तक खाना यहाँ पे फ्री मिलता है और खाना टेस्टी होता है मैंने सुना है। क्या मेरे पास तो टाइम था नहीं तो वैसे अभी मैं जा रहा हूँ बड़े गणपति मंदिर। अभी क्या सीन हुआ, जहाँ मैंने जाना था, जो मैं जिस लोकेशन में मैंने जाना था वो लोकेशन में मैं पहुँच ही नहीं पाया क्योंकि एरिया वो सही नहीं लग रहा था। और क्या बोला, अभी घुमाया जा रहा था उसको भी समझ नहीं आ रहा, बाइक पर था मैं, बाइक वो भी घुमाया जा रहा था उसको भी समझ नहीं आ रहा था। तो मैं वहाँ गए नहीं, फिर मैं तो आते भी मैंने कैब करी और कैब वाले से भी बात हुई तो बाइक वाला तो अभी मेरे को इतना सही नहीं लग रहा था। तो मैं तो उससे कह रहा था मेरे को जल्दी छोड़े निकले ये। अब एक फिर मैंने सिर्फ कैब करी उस जगह से, अब मेरे को कैब ड्राइवर अच्छा मिला, मतलब ढंग से बात कर रहा है, मतलब सही है ये। और वो ड्राइवर तो बहुत बेकार था, मैं उसकी बात बताऊँगा आराम से बाद में। तो अभी तो पहले चलते अपन बड़े गणपति मंदिर। मेरे जो प्रसाद पानी की बोतल है वो कैब में ही है, वो कह रहा आराम से दर्शन करो मैं बैठो तो वो मेरे को मेरी दूसरी लोकेशन में छोड़ देगा। प्रसाद के लिए ये माला लिया है, नारियल लिया है, ये तो प्रसाद लिया है। ये मंदिर की एंट्री है, ये मंदिर के आसपास की एरिया है। बहुत मतलब बाहर से मंदिर बहुत ऐसा नहीं मन हुआ कि बाहर से पता लगे बहुत बड़ा मंदिर है, क्योंकि मंदिर बहुत अच्छा है। तो चलते मंदिर के अंदर। लगा वो अच्छा लग रहा है ना, खैर ओम लिखो तब तो हट गया, उस समय लिखा था उस समय अच्छा लग रहा था। अब मैं आ गया अपने रूम में। अभी मैं रूम में इसलिए आ गया क्योंकि मेरे फ़ोन की चार्जिंग, आईफोन की चार्जिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, स्विच ऑफ हो गया था। दूसरा जो एंड्रॉयड है उसकी 3% बची थी चार्जिंग बस। जो मैंने बताना था कि ड्राइवर अच्छा मिल गया, वो अच्छे ड्राइव भी अच्छे कर रहा था, और मैंने उसको ब्लॉग में लेने के लिए ब्लॉग में ले नहीं पाई क्योंकि 3% चार्जिंग थी। मैं खाने पीने जाऊँ वहाँ पे, क्या 56 दुकान, वहाँ पे 56 दुकानें एक साथ, एक एरिया है उसका नाम है 56 दुकान, वहाँ पे सारी की सारी 56 दुकानें एक साथ हैं। तो बस 56 दुकान में से 50 दुकानें तो ऐसे भी जाते हैं, कुछ खाते नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत कम चीज़ें खाता हूँ। और फिर ब्लॉग करेंगे एंड, और फिर मैं कल सुबह उठ के जाएगा हम मैच देखने। मैं टिकट दिखा देता हूँ आपको, टिकट दिखा देती हूँ, टिकट है इसमें, मेरी टिकट ये है मैच की टिकट। ऐसे उल्टा लग रहा होगा, मैं सीधे घर की दिखाता हूँ, वेट। तो गाइस ये टिकट, जब दिल्ली वाले मैच देखने गए थे उस टाइम थी 5 टिकटें, अब है एक ही टिकट, वही 5 दिन के लिए वैलिड है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, जो बाकी जगह मेरे को ग्राउंड मिल रहे थे वो ग्राउंड, जरा होटल मिल रहे थे
वो या तो बहुत ज़्यादा महंगे थे, जैसे कि 4-5 हज़ार, मैंने 5-6 दिन रुकाने, मैंने और 4-5 हज़ार का एक दिन का तो फायदा नहीं है। ये है 56 भोग की दुकान, मतलब 56 दुकानें यहाँ पे सारी एक साथ, इधर उधर और अभी काफ़ी आगे तक है लेना की गिरा, पीछे भी पीछे घर इतना नहीं है, पीछे तो ऐसी है। ये है मेन दुकान है, हम यहाँ से देखते हैं क्या क्या है खाने को, जो मतलब होगा वो खा के बताओ कैसे है। वैसे अभी मैंने खाई है पाव भाजी, कुछ और ट्राई करते हैं जो खाने लायक हो, क्या हो देखते हैं। ये चॉकलेट पान, जो मैं भूल गया था, मैं कह रहा था पीने वाली चीज़ है, वो पीने वाली चीज़ है, वो खाने वाली चीज़ है, वो था ये पान, ये पान खाता हूँ। और एक और थी वो केसर लस्सी है, मैंगो लस्सी होती पी लेता, केसर में कोई लस्सी मैं वो नहीं खा रहा। अब ये खा के चलते अपने घर, अपने रूम में। दोनों भी नहीं है, अभी मन नहीं हूँ। कैसी यार खाने ऐसे मिला, उसने मेरे साथ स्कैम दिए, मतलब जाते घुमाते ना हाथ बात, अब यूँ 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 घुमा ही जा रहा था, एक लोग मेरे हाथ पे लग गए थे ऐसे, दिखाऊंगा वही या पहले दिखा रही होगा अभी या बाद में दिखाऊंगा, थोड़ी रिकॉर्ड दिया तो देखो जैसे मुझे रिकॉर्ड हो मैं डाल दूँगा। तो बस अब ये खाते ऐसे फिर चलते अपने घर, तो घर नहीं मतलब रूम में। सो गाइस वो है उसकी एंट्री 56 दुकान की, अच्छा जी ऊपर भी वो लगा हुआ है, शर्ट टाइप लगा हुआ है, मैंने अपने पे बाकी पता नहीं वहाँ से एंट्री करते हैं यहाँ से एंट्री करते हैं है क्या जो भी है। ये तो खैर पार्किंग है, तो वहीं से एंट्री होनी चाहिए फिर तो। जा रहा हूँ अभी अपने रूम में, और मिठाई मैंने ली नहीं अभी क्योंकि मिठाई ना हाँ मिठाई मैं सोचा जब जाऊँ तब ले लूँ, अभी क्या उठा के घूमना, तो जब जाऊँगा तब मिठाई लेते जाऊँगा। वैसे अब इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। अब मैंने बता रहा था मिठाई क्यों नहीं ली मैंने, शायद बता रहा था ठीक है नहीं बताया तो अगले व्लॉग में फिर से बता दूंगा क्योंकि मैं थक गया हूँ। बाकी हो सकता है मैं कल या परसों रूम चेंज कर लूँ क्योंकि यहाँ पे ना नेटवर्क का इशू लग रहा है मेरे को, क्योंकि नेटवर्क ढंग से आ नहीं रही।